हेलो गाइस, मैं वसीबुल। आप लोग देख रहे हैं मेरा आपका यूट्यूब चैनल जुगांतारा। इस वीडियो बताऊंगा ओमन का 10 कंपनी के बारे में। बहुत सारे व्यूअर्स बार बार कमेंट कर रहे हैं ओमन का कंपनी के बारे में बताने के लिए, बार ओमन में जाना चाहते हैं, ओमन में जाके आप सेटल होना चाहते हैं। आज इस वीडियो में जो 10 कंपनी के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा, ये 10 कंपनी के अंदर किसी भी कंपनी जाएंगे तो आप सेटल होके काम कर सकते हैं। आप 2 साल काम करने के बाद अगर फिर घर आके फिर जा सकते हैं। ओमन का कंपनी का आप इंटरव्यू देना चाहते हैं तो ये सारे कंपनी के अंदर आप इंटरव्यू दे सकते हैं, क्योंकि ये सारे कंपनी, ये जो 10 कंपनी के बारे में बताऊंगा, ये 10 कंपनी के अंदर किसी भी कंपनी में आप इंटरव्यू दे सकते हैं और जा भी सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा कंपनी के बारे में आज इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर कंपनी सही नहीं होगा तो जाने के बाद आपको सैलरी भी टाइम टाइम नहीं मिलेगा और खाना पीना भी सही से नहीं मिलता है। ऐसा नॉर्मल कंपनी में जाएंगे तो जाने के बाद आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, क्योंकि सैलरी टाइम टाइम नहीं मिलेगा, खाना पीना भी सही से आपको नहीं मिलेगा और रहने का जो कैम्प है वो कैम्प भी आपको सही तरह से नहीं होगा। और रहने का जो कैम्प अच्छा नहीं होगा तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो सकते है। पहला जिस कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये इंटरनेशनल कंपनी है, गल्फर कंपनी है। ये गल्फर कंपनी बहुत सारे देश में है। तो गल्फर कंपनी जो ओमान का जो गल्फर कंपनी है ये भी बहुत अच्छा कंपनी है। इस सैलरी के लिए कोई चिंता नहीं होगा, 31 तारीख में आपको सैलरी आ जाएगा। रहने का जो कैंप वाला बहुत अच्छा है, काम के लिए आपको परेशान नहीं होगा, इसलिए आप गल्फर कंपनी में जा सकते हैं। ओमान का जो गल्फर कंपनी है बहुत अच्छा कंपनी है। गल्फर कंपनी के कहीं इंटरव्यू चल रहे तो इंटरव्यू दे सकते हैं, ओमान के लिए बहुत अच्छा कंपनी है। उसके बाद अल तुर्किश इंटरप्राइज कंपनी बहुत अच्छा कंपनी है। ओमान में जाना चाहते थे अल तुर्किश इंटरप्राइज कंपनी में जा सकते हैं। और जाएंगे तो आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये टाइम टू सैलरी मिलेगा, इसका जो लेबर कैंप वगैरह बहुत अच्छा है। और इस कंपनी में जाएंगे तो आप आराम से 2 साल काम करने के बाद फिर अच्छा लगेगा। तो आप 2 साल करने के बाद भी अगर छुट्टी में आएंगे, छुट्टी में आपको आना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा कंपनी होगा तो कैंसिल में नहीं आएंगे, फिर जाने के लिए आपको छुट्टी में आएंगे। इसी तरह कंपनी आप ढूंढ रहे हैं, तुर्किश इंटरप्राइज कंपनी में जा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा कंपनी है। उसके बाद इनका कंपनी में जा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा कंपनी है। इनका कंपनी के कभी इंटरव्यू चले तो इंटरव्यू दे सकते हैं। जितना सारे कंपनी के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा लोगों वगैरह देख लीजिए तो पहले से आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सा कंपनी का कौन सा लोगो है। ये सारे कंपनी के अंदर कहीं भी इंटरव्यू होगा तो आपको पता चल जाएगा, ये सारे कंपनी बहुत अच्छा कंपनी है, ये सारे कंपनी में आप जा सकते हैं। मेरा चैनल में जो कम्युनिटी ऐप है उसमें जाके आप चेक करते रहे तो ये सारे कंपनी के अंदर कहीं भी जब इंटरव्यू होगा तो आपको पता चल जाएगा। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और मेरे चैनल का जो कमेंट टैब है हर दिन आप फॉलो करते रहे, ये सारे कंपनी के अंदर जब भी इंटरव्यू होगा आपको पता चल जाएगा। उसके बाद पुंज लॉयड बोल के कंपनी है, इस कंपनी में जा सकते हैं, ओमान के लिए बहुत अच्छा कंपनी है, बहुत ओवर टाइम होता है, इसीलिए अगर आपको इस कंपनी का इंटरव्यू चल रहे तो इंटरव्यू दे सकते हैं और आपको बेसिक सैलरी थोड़ा सा कम देगा, फिर भी इस कंपनी में जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा कंपनी है। उसके बाद 3CC कंपनी में जा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा कंपनी है। आप लोग को पहले से आपको जानकारी है 3CC कंपनी कतर में है, सऊदी में है, दुबई में है, ओमान में भी है। ओमान में जो 3CC कंपनी बहुत अच्छा कंपनी है, इस कंपनी में जा सकते। 3CC कंपनी बहुत ही बड़ा कंपनी, इस कंपनी में जाएंगे तो मुश्किल नहीं होगा, टाइम टू सैलरी मिलेगा, इसका लेबर कैंप बहुत अच्छा है। अगर ओमान में आप जाना चाहते तो 3CC कंपनी में जा सकते। उसके बाद JNP कंपनी में जा सकते, ये भी बहुत अच्छा कंपनी है, कतर में इस कंपनी है, सऊदी में है, दुबई में है, पी कंपनी में जा सकते, ये भी बहुत अच्छा कंपनी है ओमान के लिए। नेशनल कॉन्ट्रैक्टेड कंपनी, ये भी बहुत अच्छा कंपनी है, जो शॉर्ट नेम है NCC, NCC कंपनी में जा सकते हैं। NCC कंपनी का लोगो भी आप देख लीजिए। अगर ओमान में जाके आप सेटल होना चाहते हैं, ओमान में एक ही कंपनी में ज्यादा दिन रहना चाहते हैं तो NCC कंपनी में जा सकते हैं, क्योंकि NCC कंपनी बहुत अच्छा कंपनी है, बहुत बड़ा कंपनी है। इस कंपनी में जाएंगे तो थोड़ा सा भी मुश्किल नहीं होगा, सैलरी के लिए मुश्किल नहीं होगा, आपको रहने के लिए मुश्किल नहीं होगा। तो NCC कंपनी का इंटरव्यू चले तो इंटरव्यू दे सकते हैं, ये बहुत अच्छा कंपनी है। उसके बाद सापुरजी पलनजी कंपनी में जा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा कंपनी है, ये भी इंटरनेशनल कंपनी है, बहुत सारे देश में है। अगर आपको सापुरजी कंपनी का जब इंटरव्यू होगा मेरे चैनल में आपको पता चल जाएगा, इसलिए आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ मेरा चैनल का जो कमेंट टैब है उस टैब को हर दिन फॉलो करते रहे। मैं जितना सारे कंपनी के बारे में वीडियो बनाता हूँ उस कंपनी का अगर कहीं भी इंटरव्यू चल रहे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, तो इसलिए मेरा चैनल का जो कमेंट टैब है उसको फॉलो करते रहे हर दिन। इसका अंदर किसी कंपनी इंटरव्यू होगा तो आपको पता चल जाएगा, तो इंटरव्यू कहाँ होगा, कब होगा, ये भी पता चल जाएगा, तो वहां जाके इंटरव्यू देके आप उस कंपनी में जा सकते हैं।
उसके बाद एलएनटी कंपनी में जा सकते हैं। एलएनटी कंपनी बहुत अच्छा कंपनी है। एलएनटी कंपनी के बारे में आप लोगों को जानकारी तो होगा कि एलएनटी इंडियन कंपनी है। इस कंपनी में जा सकते हैं, बहुत अच्छा कंपनी है। दुबई में इस कंपनी है, आप कातर में इस कंपनी में जा सकते हैं। सऊदी में अगर एलएनटी कंपनी जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ओमन में अगर इस एलएनटी कंपनी में जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत अच्छा कंपनी है एलएनटी कंपनी। और गल्फ कंट्री में एलएनटी कंपनी बहुत अच्छा कंपनी है। किसी भी जगह में हो तो एलएनटी कंपनी में जा सकते हैं, एलएनटी कंपनी में काम कर सकते हैं। उसके बाद हाफटोर लेंटन ग्रुप कंपनी में जा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा कंपनी है। इस कंपनी में जाएंगे तो टाइम टू सैलरी मिलेगा, खाना पीना भी सही से रहता है, लेबर कैंप बहुत अच्छा है। आपको प्रॉब्लम होता है अगर अच्छा कंपनी नहीं होगा जाने के बाद, आपको सैलरी भी टाइम टाइम नहीं मिलेगा तो आपको बहुत ही परेशानी होता है। जाने के टाइम आपको रुपया भर के जाना पड़ता है और रुपया उठाने में भी मुश्किल हो जाएगा, वो टाइम टाइम सैलरी नहीं मिलेगा। ऐसा बहुत सारे कंपनी होता है जिस कंपनी में जाएंगे तो दो तीन महीना सैलरी नहीं मिलता है। इसीलिए आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप गल्फ कंट्री में जाना चाहते हैं तो मेरा बहुत सारे वीडियो है। कतर में जाना चाहते हैं, कतर में जो बहुत बड़ा बड़ा कंपनी है उस कंपनी के बारे में वीडियो बना करके वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद दुबई में अगर जाएंगे, दुबई में जो टॉप लेवल का कंपनी है वो भी उस कंपनी के बारे में वीडियो बना करके वीडियो देख सकते हैं। सऊदी अरब का जो फेमस कंपनी है उस कंपनी के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना करके वीडियो देख सकते हैं। अगर बहरन में जाना चाहते हैं, बहरन का बहुत सारे कंपनी के बारे में वीडियो बना करके वीडियो देख सकते हैं। ओमन का जो बहुत अच्छा कंपनी है, बहुत बड़ा बड़ा कंपनी है, उस कंपनी के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना कर रखे हैं, वो वीडियो देख सकते हैं। आज जो बेस्ट 10 कंपनी के बारे में आपको इस वीडियो बताया, ये 10 कंपनी का अंदर किसी भी कंपनी का इंटरव्यू चल रहे थे, इंटरव्यू दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग को पता चल गया। अगर ओमन में जाना चाहते हैं तो ये सारे कंपनी के अंदर जा सकते हैं। ये वीडियो आप लोग लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।